दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को भाई ट्रिक से सॉल्व करेंगे। डिटेल में क्यों सॉल्व करेंगे दोस्त, जिससे कि आपका क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। अब इनको क्या है मैं मिटा देता हूँ, इनका क्या है मैंने जो है इमेज ले लिया है दूसरे फोन में, ठीक है। तो चलिए इनको तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही आपको। सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ इनके पीछे का थोड़ा बहुत कंसेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये वाले जो क्वेश्चन थे आपके बेस्ड हैं किस पर बेस्ड हैं, दो फॉर्मूले पर। एक फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब और दूसरा फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूले को सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और यहाँ पर ब्रैकेट में होता है दोस्त ए प्लस बी, ठीक है ना। ये होता है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों फॉर्मूले पर ये वाले जो क्वेश्चन है दोस्त बेस्ड हैं, ठीक है। अब मैं एक दो क्वेश्चन को आपको डिटेल में सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद हम इन क्वेश्चन को भाई ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ट्रिक से आप इन क्वेश्चन को कुछ चंद ही सेकेंड में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या क्या थे भाई, मैंने अभी निकालता हूँ, मेरे पास फ़ोन है उसमें मैंने फ़ोटो ले लिया था दोस्त, रुको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्त, इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 5 है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 13 है, और फाइंड क्या करवा रहा है दोस्त हमसे, ए क्यू प्लस बी क्यू। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 7 है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29 है, फाइंड क्या करवाएगा आप पर बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू। दोस्त ये आप पे फाइंड करवाएगा, इनको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए अभी आपने पढ़ा है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए याद नहीं तो दोस्त याद कर लो यार, ठीक है। अब आप यहाँ से वीडियो को छोड़ कर जाओगे, इससे बढ़िया इसको याद कर लो, यहाँ पर एक चीज़ को सीख कर जाओ, ठीक है। देखो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। अब दोस्त हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए क्यू प्लस बी क्यू की निकालनी है, देखो इसकी तो निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर रहने देते हैं और इस वाली चीज़ को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं दोस्त। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इस चीज़ को मैंने आगे यहाँ पर लिख लिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर क्या है ए प्लस बी का होल क्यू, इधर हमने क्या ट्रांसफ़र किया ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये क्या थी, इधर प्लस की थी, इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की, तो क्या हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी दोस्त, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास किस किस की वैल्यू है यहाँ पर बताइए, आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू है, हाँ भाई है 5 है, आपके पास a प्लस बी की वैल्यू है, हाँ भाई है, आपके पास ab की वैल्यू है, नहीं है दोस्त, ये पता चल जाए तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगी ये, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए आपके पास किस किस की वैल्यू पता है, ए प्लस बी की पता है 5 है, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, हाँ भाई पता है, आपको ए बी की वैल्यू पता है, यही नहीं पता है, इसको निकाल कर ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें, हमारा पूरा क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए ए बी की वैल्यू निकालते हैं, देखिए मैं दोस्त क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ। तो मेरे पास देखो 2ab इक्वल टू क्या आएगा, देखो 2ab इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये क्या है मैंने इधर ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। तो क्या बचेगा मेरे पास माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी की पूरी वैल्यू देखो यहाँ पर प्लस की थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी माइनस की हो जाएगी इधर ट्रांसफ़र करने पर, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आपके पास 5 है, इसका क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दोस्त बताइए, कितनी है कहाँ गई 13 है, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ पर कितना होता है 13,
25 में से जब आप 13 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्त, 12। ये किसकी वैल्यू है, 2ab की वैल्यू है दोस्त। अब 2 का क्या है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा, ये 2 जो है, तो ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/2, तो 2 6 12, यानी कि ab की वैल्यू कितनी आएगी, 6। ये ab की वैल्यू आई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपके पास aq plus bq की वैल्यू आ जाएगी दोस्त। तो चलिए हम पुट कर देते हैं, देखिए यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो इसमें पुट कीजिए। देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 5, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 का क्यू हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 3ab, ab की वैल्यू अभी आपने कितनी निकाली है दोस्त, 6 निकाली, तो 6 लिख दिया मैंने। अब a प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी थी दोस्त, 5 थी, तो 5 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, कितना है यहाँ पर, 5 × 5 कर दीजिए। देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो मैंने लिख दिया। अब 5 का क्यू कितना होता है, 125, माइनस 6 18 18 5 होता है 90, तो घटाइए कितना आंसर आएगा, 5 और 12 में से 9 जाएंगे तो 35 आंसर आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सही किया है ना मैंने एक बार, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 13, 12 बचेगा, 2 6 12, 6 आ गया, ठीक है। हाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू थी 5, 5 का क्यू कितना होगा, 125, माइनस 3ab, ए बी ए की 3, ए बी की वैल्यू थी 6, ए प्लस बी की वैल्यू थी कितनी, 5, 6 18 5 90 और यहाँ पर चाहिए 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं डिटेल में, अब यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले किसका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पर, ए प्लस बी का होल क्यू, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू बराबर, देखो दोबारा लिख रहा हूँ जिससे कि आपको दोस्त याद हो जाए, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और यहाँ पर क्या होता है ए प्लस बी, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू की, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ और इसको मैं दोस्त इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इधर तो मैं इसको मैंने यहीं पर ट्रांसफर यहीं पर रखा है, इधर जाएगा तो ये सबका सब कितने में हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस का था, इधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। किस किस की वैल्यू आपको पता है, ए प्लस बी की वैल्यू पता है, ए प्लस बी की वैल्यू पता है ना, ए बी की वैल्यू नहीं पता, तो वो कहाँ से निकल के आएगी दोस्त, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं दोस्त। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसलिए लिख रहा हूँ बार बार फॉर्मूले जिससे कि आपको याद हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी ए बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर एक जगह लिख देता हूँ भाई, 2ab। अब इसको क्या है दोस्त, मैं इधर इधर ट्रांसफ़र कर लूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या थी पूरी वैल्यू, इधर प्लस की है तो इधर जाने पर क्या हो जाएगी, इधर जाने पर क्या हो जाएगी, माइनस की, तो क्या होगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 29, तो देखो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 29 कितनी वैल्यू आई, 0 20। ए प्लस 2ab की वैल्यू कितनी आ गई, 20, हमको चाहिए ab की, तो कितना आ जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 20/2, यानी कि कितना आ गया, 10, ab की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, सबकी वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस बी की भी वैल्यू पुट कर दो और ab की वैल्यू भी पुट कर दो, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं, क्या आएगा, क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है दोस्त बताइए, 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का क्यू माइनस 3, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आई, और यहाँ पर किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी की, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7 ही है, तो 7 का क्यू 343 माइनस 7 21 और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 210 घटाइए 3, यहाँ पर कितना आएगा, 3 और 2 1 133 आंसर आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। आई होप आपको इन क्वेश्चन का भाई डिटेल में सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इन क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, इनको ट्रिक से सॉल्व करना सीखते हैं दोस्त। देखिए मैं इनके अब डिटेल आपने नोट कर, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इनके इनको भाई ट्रिक से सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको। देखिए आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू ऐसी माननी है जिनका योगफल करने पर आपके पास 5 आ जाए और उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर दोस्त 13 आ जाए, ठीक है ना। अभी समझ में आ जाएगा क्या बोला मैंने, कि आपको ए और बी की
ऐसी वैल्यू माननी है जिनका योगफल करने पर भाई कितना आ जाए, 5 आ जाए, और उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर आपके पास 13 आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए मानते हैं भाई, देखो ए आप कब कब 5 हो सकता है, दो वैल्यू आपको ऐसी माननी है जिनका योगफल करने पर 5 आ जाए। तो देखो 1 और 4 मान लो आप, तो इन दोनों का योगफल करोगे तब भी आपके पास 5 आएगा। अब इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर 13 आ रहा है, देखते हैं भाई 1 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 17 आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि 1 और 4 नहीं हो सकती ए और बी की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए 2 + 3 इन दोनों का योगफल भी कितना आ रहा है दोस्त, 5 आ रहा है। अब देखते हैं क्या इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर 13 मिल रहा है, देखते हैं 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कितना आता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 जोड़ने पर कितना आ गया 13। यानी कि दोस्त यहाँ से क्या है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमारे पास कितनी वैल्यू मानी थी, ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। सिंपल यहाँ पर पुट कर दीजिए आपका आंसर तैयार। ए की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहाँ पर 2 का क्यूब + बी की वैल्यू आपके पास कितनी थी 3, तो 3 का क्यूब, ठीक है ना। तो आंसर देखो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना आ जाएगा दोस्त 27, और 8 और 27 कितना होता है 35। यही तो अपन का आंसर डिटेल करने पर आया, कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। अभी देखो आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको ऐसे यहाँ पर सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे दोस्त तो आपका खेल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं भाई ट्रिक से। क्या है आपको ए और बी की ऐसी वैल्यू माननी है, दो ऐसी वैल्यू माननी है दोस्त जिनका योगफल करने पर आपको 7 मिल जाए, और उन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ने पर आपके पास 29 मिल जाए। तो चलिए मानते हैं, देखो ए की वैल्यू 1 मान ली मैंने + बी की वैल्यू 6 मान ली, इन दोनों का योगफल मेरे को 7 मिल रहा है, क्या इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर 29 मिल रहा है? नहीं मिलेगा दोस्त। कैसे, देखो 1 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी मानी थी 1, तो 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 6 मानी थी तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 1 का 1 और 6 का स्क्वायर 36 37 आ रहा है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, मैं लाना था 29, ठीक है। अब मानते हैं दोस्त, देखो 2 + 5 भी कितना होता है 7 होता है। अब देखते हैं इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर 29 मिल रहा है। देखो 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, आपने ए की वैल्यू 2 मानी है और बी की वैल्यू 5 मानी है, तो इन दोनों का क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 5 का स्क्वायर होता है 25, जोड़ो इन दोनों को 29, यानी कि 29 मिल गया। ये क्या कर रहा है, कंडीशन को भाई सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया इसने, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 और बी की वैल्यू दोस्त कितनी आ गई 5। सिंपल यहाँ पर पुट कर दीजिए आपका आंसर तैयार। ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2, तो 2 का क्यूब + बी की वैल्यू कितनी मानी थी आपके पास 5, तो 5 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है भाई, 5 का क्यूब 125 होता है, जोड़ने पर कितना आएगा 133। यही तो अपन का आंसर डिटेल करने पर आया था दोस्त, आई होप आपकी समझ में आ रहा है। अभी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं तभी तो इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ आप पर। चलिए और लिखिए, जब तक करोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्त, ठीक है। चलिए दोस्त हमने ये मिटा दिया था पूरा, अब नहीं मिटालूंगा। इफ़ ए प्लस इसकी वैल्यू 8 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 34 है, फाइंड करवा रहा है आप पर क्या ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या है यहीं पे वैल्यू को बदलता जाऊंगा और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आपको ए और बी की दो ऐसी वैल्यू मानिए जिनका योगफल करने पर 8 मिल जाए आपको, और उन दोनों के स्क्वायर करने पर और उनको जोड़ने पर आपके पास 34 मिल जाए, ठीक है। आप उन दोनों का स्क्वायर करो और स्क्वायर करके जो भी आएगा उन दोनों को जोड़ो और आपके पास कितना आना चाहिए 34, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए आप 8 कब मिलेगा आपको, देखिए 1 और 7 करने पर मिल जाएगा, हाँ इन दोनों को जोड़ने पर 8 मिल रहा है, क्या इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर 34 मिल रहा है? देखिए ए कितना माना आपने 1, तो 1 का स्क्वायर, बी कितना माना आपने 7, तो 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को जोड़ो तो 50 मिलेगा, यानी कि हमको 34 तो मिला नहीं है। तो ये वाली ए और बी की वैल्यू नहीं हो सकती। और मानते हैं 2 + 2 + कितना हो सकता है 6, इन दोनों का योगफल भी कितना होता है दोस्त 8 होता है, तो अब इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए मेरे को 34 मिलना चाहिए, देखते हैं मिलता है कि नहीं। ए की वैल्यू कितनी मानी है 2, तो 2 का स्क्वायर + बी की वैल्यू कितनी मानी है आपने 6, तो 6 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर 4 + 6 का स्क्वायर 36 कितना हो गया 40, ये भी नहीं मिल रहा है दोस्त हमको, तो 34 लेके आना है। और मानते हैं दोस्त आगे,
थ्री प्लस फाइव क्या है, देखो एक एक करके आप बढ़ाते चलो, वन पहले आपने वन माना, फिर टू माना एक ही वैल्यू को, फिर थ्री माना, और यहाँ पर तो अपने हमको कितना योगफल लेके आना है, आठ, तो दो में कितना जोड़ूँ, आठ आ जाए छः जोड़ूंगा, थ्री में कितना जोड़ूँ कि भाई आठ आ जाए फाइव जोड़ूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको वैल्यू मान लेनी है, आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई थ्री और बी की वैल्यू आपके पास फाइव है, तो यहाँ पर देखते हैं कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ए की वैल्यू थ्री तो थ्री का स्क्वायर, बी की वैल्यू फाइव तो फाइव का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर कितना होता है नौ और फाइव का स्क्वायर 25, इन दोनों को जोड़िए कितना आ गया आपके पास 34, तो यानी कि कंडीशन क्या हो रही है दोस्त, सेटिस्फाई हो रही है। तो सिंपल ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर तैयार। तो ए की वैल्यू आपने कितनी मान आई है आपके पास, कितनी आई थी थ्री का स्क्वायर सॉरी थ्री का क्यूब प्लस बी की वैल्यू कितनी आपके पास फाइव, तो फाइव का क्यूब, थ्री का क्यूब 27, फाइव का क्यूब 125, तो कितना का 152 आंसर आएगा दोस्त। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, अगर कुछ भी समझ में ना आए ना दोस्त कमेंट में बता दिया करो, ठीक है, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा, 5 मिनट के अंदर ही अंदर आपको जवाब मिल जाएगा दोस्त, ठीक है। तो डोंट वरी, कमेंट किया करो यार, और अगर वीडियो आपकी समझ में आ रहा है, आंसर समझ में आ रहे हैं, तो भाई फटाफट वीडियो को पॉज किया करो पहले और फिर आंसर दिया करो इन क्वेश्चंस का भाई, तो हम इनकी वैल्यू बढ़ते मिल रहे यहाँ पे, इसको आपको खुद सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना दोस्त, ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, लिख लो आप नोट कर लो इसको, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए आई होप आपने इसको लिख लिया हो, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 9 और 41, ठीक है, ये है नेक्स्ट, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लेके आना है भाई, आपको ए और बी की दो ऐसी संख्या माननी जिनका योगफल करने पर आपको 9 मिल जाए और उन दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ने पर आपके पास कितना आ जाए, 41 आ जाए। तो चलिए मानते दोस्त, आप देखिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपने क्या है 1 मान लिया ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपने मानी 8, अब भाई 8 का स्क्वायर 64 होता है दोस्त, यहाँ पर बी का स्क्वायर हो रहा है, तो बी कितना आपके पास 8, 8 का स्क्वायर 64, हमें तो 41 लेके आना था, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ ए और बी की ए वाली वैल्यू नहीं हो सकती है। दूसरी 2 प्लस 7, देखो ये भी क्या होता है, इन दोनों को जोड़ने पर आपके पास 9 आ रहा है, आप देखते हैं क्या इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर आपके पास 41 आ रहा है, देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, प्लस यहाँ पर कितने का बी का स्क्वायर, बी कितना आपके पास 7, तो 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, कितना आ रहा है 53 आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये वाली वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये वाली वैल्यू हमारी ए और बी की नहीं हो सकती है। आगे 3 प्लस 6, इन दोनों का योगफल भी कितना होता है 9 होता है, क्या आप देखते हैं इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर आपको 41 मिल रहा है, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्यों लिखा मैंने, ए की वैल्यू आपके पास 6 है, बी की वैल्यू आपने कितनी मानी है, सॉरी ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 है, तो इन दोनों के क्या हो रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर हो रहे हैं, चेक करिए 41 आ रहा है कि नहीं, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इन दोनों को जोड़ो तो 45 आ रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू भी नहीं हो सकती। मैं क्यों बार बार सॉल्व कर रहा हूँ इनको, देखिए आपको सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपको आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना, आप तो अंदाज़ा वैसे भी लगा सकते हो भाई, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो इन दोनों को तो जोड़कर नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट 4 प्लस 5, इनको जो करिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ए का स्क्वायर, ए कितना आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर, बी कितना आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को जोड़ो 41, यानी कि कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। आपके पास ए की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर पुट कर दीजिए ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू आपके पास 4, तो 4 का क्यूब प्लस बी की वैल्यू आपके पास 5, तो 5 का क्यूब, सॉल्व कीजिए 4 का क्यूब कितना होता है 64, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 5 का क्यूब 125, कितना आंसर 189 आंसर आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो दोस्त कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं दोस्त, देखो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, जिससे कि यार जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस आप यहाँ पर भी कर सकते हो, इसलिए तो मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ दोस्त, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, आपको वही वैल्यू पूछिए। देखिए आप बताइए मुझे ए और प्लस ए और बी की ऐसी वैल्यू मानिए जिनको जोड़ने पर मेरे पास 3 आ जाए और उन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर 5 आ जाए। तो देखिए आपने ए की वैल्यू 1 मानोगे, अब 1 में कितना जोड़ूंगी 3 आएगा भाई, 2 जोड़ दूंगा, तो इन दोनों का योगफल 3 मिल रहा है मेरे को, ठीक है। अब मेरे को क्या है, इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर 5 मिलना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4,
इन दोनों को जोड़ो 5, यानी कि कंडीशन क्या हो रही है दोस्तों, सेटिस्फाई, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो 1 का क्यूब, बी की वैल्यू आपके पास 2 है तो 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 1 और 8 होता है 9 आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड दें दोस्त, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए होगा, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास 4 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 8 है, और तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है। ये वाला इसका भी क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्या है कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, कमेंट में आंसर लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो लिख लिया होगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू अब 11 है और आपको यहाँ पर 61 दे रखा है, फाइंड करवा रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए क्या करना है, वही करना है आपको, ए और बी की दो ऐसी वैल्यू माननी है जिनका योगफल आपको कितना मिलना चाहिए 11 है, और उन दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना आना चाहिए 61 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई करते हैं सॉल्व। ए की वैल्यू कितनी मानेंगे आप, 1 मानोगे, सबसे पहले 1 मान लीजिए। अब मैं इसमें 1 में कितना ऐड करूँगा, अगर मेरे पास 11 मिल जाएगा तो 10, 1 प्लस 10 11 होता है। अब देखते हैं इन दोनों के स्क्वायर करने पर 61, स्क्वायर करके जोड़ने पर 61 मिलता है कि नहीं। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, ए कितना मानता 1, 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, बी बी कितना माना आपने 10, तो 10 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर जोड़ हो रहा है इनका 101 आ रहा है, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, ए को 2, बी को कितना मानोगे 9 मानोगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना मिल रहा है मेरे को 11 मिल रहा है। अब चेक करते हैं इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर 61 मिलता है कि नहीं, देखिए नहीं मिलेगा भाई। देखो कैसे नहीं मिलेगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, देखो बी कितना माना आपने 9, तो यहाँ पर 9 माना बी, तो यहाँ पर क्या होगा बी का स्क्वायर होगा, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पर तो भाई 61 से ज़्यादा चला गया, ठीक है, और साथ में योगफल हो रहा है तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ए का स्क्वायर और हो रहा है और इन दोनों को जोड़ोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप जल्दी से जल्दी एलिमिनेट कर सकते हो, और योगफल आपके पास 11 का आएगा 3 प्लस 8, इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर देखिए 61 आता है, नहीं आएगा दोस्त, कैसे नहीं आएगा, देखो बी कितना माना आपने 8 माना है, तो यहाँ पर 8 का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है प्लस, यहाँ पर देखो 8 का ही स्क्वायर कितना हो रहा है 64, यानी कि 61 से ऊपर निकल रहा है, और साथ में यहाँ पर ए स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर जोड़कर और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी दोस्त। चलो मैं जोड़ देता हूँ आपके लिए, ए कितना माना आपने 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 73 आ रहा है, हमको तो भाई 61 लाना है, तो ये भी वैल्यू नहीं हो सकती है। आगे 4 प्लस कितनी मानेंगे आप, 7 कितनी आएगी, देखो 4 प्लस 7, इनको चेक करते हैं, ए स्क्वायर ए कितना माना आपने 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना माना आपने 7, तो 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, जोड़िए 65 आ रहा है, यानी कि ये भी वैल्यू नहीं हो सकती है दोस्त, कितनी वैल्यू नहीं हो रही है भाई, ये तो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब कितनी मानोगे 5 प्लस 6, इन दोनों को करते हैं भाई, ठीक है, इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है 61 आ रहा है, सॉरी 11 आ रहा है। अब देखते हैं इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर हमको 61 मिल जाएगा नहीं, ए कितना माना आपने 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस, बी कितना आपने 6, तो 6 का स्क्वायर, चेक कीजिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस है तो प्लस लगा दे, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को जोड़िए कितना आ गया 61, यानी कि कंडीशन क्या है दोस्त सेटिस्फाई हो रही है, हमारे पास ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू कितनी है 6, सिंपल यहाँ पर पुट कर दीजिए आंसर तैयार। ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का क्यूब प्लस, बी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना हो गया 125 प्लस 6 का क्यूब कितना हो गया 216, जोड़िए 11 का 1 2 3 और 1 4 और कितना हो गया यहाँ पे 2 3, यानी कि 341 आंसर आ जाएगा दोस्त, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया तो दोस्त कमेंट आपके लिए है, ये कमेंट बॉक्स जो है उसमें लिख दीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे क्या हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं।